नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत। काली सड़क पर कहां मचा लाल तांडव, दाढ़ी वाली दीदी की गंदी हरकत क्या है और महाबवंडर से क्यों डरे हैं लोग, आज हम आपको कैमरा सब देखता है में बारी बारी से ये सब दिखाएंगे और इसकी वजह भी बताएंगे। शुरुआत उस डरावने हादसे से जहां 10 सेकंड में हाहाकार मच गया। बीच सड़क पर अचानक जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया। देखिए रिपोर्ट। गर्मी में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का अंजाम क्या होता है वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। बस 10 सेकंड के भीतर सड़क पर कोहराम मच गया। स्कूटर में अचानक आग लग गई और पूरी तस्वीर बदल गई। देखिए किस तरह पूरा स्कूटर आग की चपेट में आ गया। यकीन करना मुश्किल है लेकिन यह तस्वीर बेहद खौफनाक है। इस मंजर को जिसने भी देखा उसका दिल धक से रह गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ वो ध्यान से देखिए। जिस स्कूटर से आप धुआं निकलता देख रहे हैं उस पर दो लोग बैठे हुए हैं। धुआं बढ़ा तो स्कूटर चला रहे शख्स ने उसे रोकने की कोशिश की और सड़क किनारे ले जाने लगा। हालांकि तभी अचानक एक धमाका हुआ और पूरा स्कूटर आग की लपटों में गिर गया। किसी को समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या है। ड्राइवर ने तो किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली लेकिन पीछे बैठा शख्स आग की चपेट में आ गया और जब तक संभल पाता उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस चुका था। दो तस्वीरें देखिए और समझिए आग कितनी भीषण थी। स्कूटर में आग लगने की खबर फायर फाइटर्स को दी गई, फिर पानी डालकर बुझाने की कोशिश हुई। आग कम तो हो गई लेकिन स्कूटर काफी देर तक धू धू कर जलता रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना जितनी तेजी से आग ने स्कूटर को अपनी जद में लिया था उससे कुछ भी हो सकता था। ये वीडियो चीन के ग्वांगझू प्रांत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।